हरियाणा में हमारी विशेष टीम है मद्यनिषेध इकाई की, जो कि लगातार छापेमारी कर रही है। इस क्रम में गुरुग्राम गुड़गांव से हम लोगों ने नरेश कुमार छाबड़ा को पकड़ा है, जिनकी तलाश हमको मुजफ्फरपुर और पटना के कांडों में थी। उसके अलावा विनोद उर्फ फौजी को हम लोगों ने भिवानी हरियाणा से गिरफ्तार किया है, जिनकी तलाश हमको समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, पारू और पटना के विभिन्न कांडों में थी। ये लोग सिंडिकेट बना के वहाँ पे शराब का कारोबार कर रहे थे, और शराब निर्माता जो शराब के मैन्युफैक्चर करते हैं, फैक्ट्री के ओनर हैं, डायरेक्ट उनसे माल लेते हैं। उसके बाद बिहार भेजने का कार्य करते हैं। बिहार में शराबबंदी कानून का धज्जी उड़ाने वाला दो शराब माफिया हरियाणा से गिरफ्तार हुआ है। बता दें आपको कि दोनों शराब माफिया जो हैं वो हरियाणा के रहने वाले हैं और लगातार बिहार में शराब सप्लाई करते थे, बड़े सप्लायर हैं। बता दें आपको कि लगातार बिहार में शराबबंदी कानून को लेकर यह दावा सरकार की तरफ से किया जाता है कि बिहार में पूर्णतः शराबबंदी कानून लागू है। वहीं मद्य निषेध विभाग लगातार कार्रवाई कर रहा है। वहीं बता दें आपको कि सबसे बड़ा शराब माफिया पकड़ा गया है हरियाणा से, दो शराब माफिया पकड़ाए हैं। बता दें आपको कि जो दोनों शराब माफिया थे वो हरियाणा के रहने वाले हैं। जो एरोप्लेन से है वो लाया गया है उन दोनों को। बता दें आपको कि पटना एयरपोर्ट जो है दोनों शराब माफिया पहुंचे हैं। बता दें आपको कि बिहार में शराबबंदी कानून लागू है, लेकिन इसके बावजूद जो है बिहार के बाहर से जो है शराब माफिया शराबबंदी कानून की धज्जियां उड़ाते रह रहे हैं। बता दें आपको कि उड़ाने से धज्जियां बाज नहीं आ रहे हैं। इसी कड़ी में मद्य निषेध विभाग की टीम ने हरियाणा के दो शराब माफियाओं को गिरफ्तार किया है। बता दें आपको कि दोनों शराब माफिया जो है हरियाणा के रहने वाले हैं और हरियाणा से जो है खेल खेल रहे थे, हरियाणा से लगातार शराब जो है बिहार में सप्लाई कर रहे थे। बता दें आपको कि दोनों शराब माफिया जो है वो हरियाणा के रहने वाले हैं। इसमें से एक बड़ा नाम जो है नरेश हावड़ा का बताया जा रहा है। बता दें आपको कि नरेश हावड़ा हरियाणा के रहने वाले हैं और लगातार जो है बिहार में शराब जो है वो सप्लाई करते थे। वहीं सबसे बड़े शराब माफिया को पकड़ा गया है। बता दें आपको कि दूसरे शराब माफिया का जो नाम है बिंदु बताया जा रहा है। बता दें आपको कि लगातार जो बिंदु है वो लगातार जो है शराब बिहार में सप्लाई करते थे। जो नरेश छाबरा है और बिंदु है दोनों शराब बिहार में सप्लाई करते थे। बता दें आपको कि बिंदु फौजी जो है नामक दूसरा शराब माफिया नाम बताया जा रहा है, हरियाणा के गुड़गांव से गिरफ्तार किया गया है बिंदु फौजी को। और वहीं बता दें आपको कि नरेश छाबरा को जो है वो हरियाणा से गिरफ्तार किया गया है। देखिए बिहार में लगातार शराबबंदी कानून को लेकर जो है मद्य निषेध विभाग कार्य कर रहा है, और वहीं मद्य निषेध विभाग के अधिकारी जो है दो शराब माफिया को हरियाणा से पकड़ के लेके आए। वहीं बता दें आपको कि जिसको लेकर लगातार जांच चल रही है। मद्य निषेध विभाग की टीम जो है दोनों जो शराब माफिया उनको पकड़ के पटना लेकर आए हैं और वहीं पूछताछ चल रही है। वहीं बता दें आपको कि अभिजीत कुमार जो कि डीएसपी है मद्य निषेध विभाग के, उन्होंने तमाम बातें बताई है। क्या कुछ कह रहे हैं अभिजीत कुमार, वो सुने आप लोग। हाँ, हरियाणा में हमारी विशेष टीम है मद्य निषेध इकाई की, जो कि लगातार छापेमारी कर रही है। इस क्रम में गुरुग्राम गुड़गांव से हम लोगों ने नरेश कुमार छाबड़ा को पकड़ा है, जिनकी तलाश हमको मुजफ्फरपुर और पटना के कांडों में थी। उसके अलावा विनोद उर्फ फौजी को हम लोगों ने भिवानी हरियाणा से गिरफ्तार किया है, जिनकी तलाश हमको समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, पारू और पटना के विभिन्न कांडों में थी। ये लोग सिंडिकेट बना के वहाँ पे शराब का कारोबार कर रहे थे, और शराब निर्माता जो शराब के मैन्युफैक्चर करते हैं, फैक्ट्री के ओनर हैं, डायरेक्ट उनसे माल लेते हैं और उसके बाद बिहार भेजने का कार्य करते हैं। इसलिए बड़ी गिरफ्तारी है। पूछताछ में कुछ बड़े शराब कारोबारियों का नाम भी आया है, जो कि अभी मैं डिस्क्लोज नहीं करूँगा। उनके खिलाफ भी हम लोगों की कार्रवाई चल रही है, जल्दी उनकी भी गिरफ्तारी। नरेश छाबड़ा पर अभी 3 मामले दर्ज हैं और बिंदु और फौजी के ऊपर 5 मामले दर्ज हैं। कब से ये सिंडिकेट चला रहे हैं बिहार? ये बिहार के अलावा ये गुजरात में भी शराब भेजा करते हैं, और उसके भी साक्ष्य हम लोगों को मिले हैं। बिहार में अभी 1 साल से इन्होंने शराब भेजे हैं। अब कितने शराब भेजे हैं ये तो अनुसंधान के बाद ही पता चल सकेगा। तो आपने सुना, डीएसपी थे मद्य निषेध विभाग के अभिजीत कुमार, उनका साफ कहना है कि तमाम जांचें चल रही है, दो शराब माफिया हैं और वहीं दोनों शराब माफिया हरियाणा के रहने वाले हैं। एक को जो गुड़गांव है हरियाणा के गुड़गांव से गिरफ्तार किया गया है, तो दूसरे को जो है हरियाणा से गिरफ्तार किया गया है। हरियाणा से जो है बैठ के, गुड़गांव से बैठ के जो है लगातार दोनों शराब माफिया बिहार में शराब सप्लाई करवा रहे थे, बड़ी खेप जो है बिहार में भेज रहे थे, जिसके बाद जो है दोनों की गिरफ्तारी हुई है और पूछताछ
किया जा रहा है। फिलहाल तमाम बातें आपने सुनी है, डीएसपी क्या कुछ कह रहे थे, मद्य निषेध विभाग के अभिजीत कुमार, और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे NBC 24 के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।